इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि 15 जून तक सभी बाढ़ निरोधक कार्य पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे कर लिए गए और जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी मुख्यालय पर, शाहजहाँपुर के जिलाधिकारी विभाग ने कहा था कि हमको रुपये की जरूरत है, एक क्षेत्र जिसको आप कह रहे हैं में बच जाएगा, सिंचाई विभाग झाड़ू भी खरीदेगा तो ई टेंडरिंग होगी उसकी, और यदि ई टेंडरिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई गई होगी तो कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें ई टेंडरिंग हुई है। इसमें 40 लाख की टेंडरिंग हुई है, 60 लाख का काम हो गया है, उसमें नाला खोदा गया नदी के पैरेलल और उसमें पानी भी अब भर गया है, मतलब बाढ़ का पानी उसमें चल रहा है, लेकिन अभी ना तो उसका कोई काम भी हुआ है, लेकिन कोई एग्रीमेंट या इस तरीके की जो भी कार्रवाइयाँ होती वो अभी नहीं हुई। इसमें सिंचाई विभाग अकेले काम नहीं कर रहा, अभी विभागीय जिला प्रशासन के साथ बैठे थे जिलाधिकारी शाहजहाँपुर ने, पूरी तरीके से संतुष्टि जाहिर की और आपने जो जानकारी दी, जैसे मेरे साथ इस समय हमारे प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा जी हैं, हमारी बाढ़ की मंत्री स्वाति सिंह जी हैं, मैं खुद सिंचाई मंत्री हूँ। इस बैठक की आप गंभीरता समझ लें, हम ऐसे ही नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट निर्देश है, उन्होंने शाहजहाँपुर का नाम स्पेशली दिया, धर्मपाल सिंह जाओ शाहजहाँपुर को देख के आओ, पीलीभीत को देख के आओ। इस बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बाढ़ से न जनहानि होने देगी न धनहानि होने देगी, ठीक है। और कोई बात, सर्वे में लगभग क्या कुल मिला के निकला है? सर्वे में भी निकला, अभी जिलाधिकारी को हमने बता दिया है, जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक कर लेंगे और बैठक करने में जो खामी आई है जो हम लोगों ने समझा उसको पूर्ति की, बाढ़ में हमें आपका भी सहयोग चाहिए, बाढ़ दे भी आपका है, बाढ़ से कोई अकेले नहीं निपट सकता, बाढ़ में समाज का भी सहयोग आवश्यक है, इसलिए मैं मीडिया को भी